आज यहाँ उपस्थित सभी सहपाठियों और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को बात विवाद प्रतियोगिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं, उसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। AI आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीकों में से एक है। यह केवल एक तकनीक ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मैं बताऊंगा कि AI कैसे हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन में क्रांति ला रहा है। जैसे स्वचालन ऑटोमेशन के द्वारा उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। AI का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऑटोमेशन के द्वारा हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे मानव श्रम भी कम होता है। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका सिंह है। मैं क्लास 11 से हूँ और मैं यहाँ पे प्रस्तुत मेरे अध्यापिका और साथियों का आदर करते हुए अपने विचारों को AI के जरिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने बोला कि AI ऑटोमेशन में काम करता है। टेस्ला एक कार है जो ऑटोमेटिक कार है, जिसको रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए बनाया गया था। बट वही टेस्ला कार 736 क्रैश में USA में इन्वॉल्व हुई और उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर चाइना में दो लोगों की जान ले ली। ऐसी AI हमारी जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और इन्होंने जैसे कि कहा कि AI हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी, पर AI का यूज़ होने वाले टूल और मशीनरीज के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और इसमें AI के आने की वजह से हमारा जो काम है बेरोजगारी बढ़ जाएगी और बेरोजगारी के बढ़ने के चक्कर में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी और हम इसमें इतने ज़्यादा मनी इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि AI से जन हानि होती है, यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे AI द्वारा संचालित मशीनों से हम उसका पहले ही पता लगा सकते हैं और जिससे हम मानव संहार होने से बचा सकते हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि AI के आने से बेरोजगारी बढ़ रही है, यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि AI के आने से कई नौकरियां आ रही हैं, जैसे डेटा साइंस, AI डेवलपर्स, AI ट्रेनर्स। इसके अलावा AI के साथ काम करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए AI के अंदर नई जॉब्स डेवलप हो रही हैं। जी बिल्कुल, आज के टाइम में AI की वजह से ये पॉसिबल है। पुराने समय में हमें पता नहीं चल पाता था कि भूकंप कब और किस समय आते हैं, लेकिन आज के टाइम पे भूकंप और ऐसे भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसके रिगार्डिंग में पहले ही हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। तुमने ये बोला कि AI के आने से बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन तुम्हें ये पता है कि AI के आने से डेटा एनालिसिस में पता किया गया कि 85 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि इंडिया की अब बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। इसीलिए पॉपुलेशन का काम करने के बाद अगर सारी जॉब्स AI को मिल जाएगी तो जो इंसान है वो क्या करेंगे जॉब्स, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं डेटा एनालिसिस ऑफ 2020 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 77% है। 23% ऑफ पॉपुलेशन डोंट नो हाउ टू राइट एंड रीड। तो AI के आने से क्या तुम्हें पता है कितने ज़्यादा लोग और ज़्यादा पढ़ने में कम हो जाएंगे, क्योंकि AI के आने से हमें नॉलेज भी कम होगी। और तुम जस्ट घर पे भी तुम ऐसे बोलते थे Alexa प्लीज स्विच ऑन फैन, इससे हमारा कितना इफेक्ट पड़ रहा है। और इंटरनेट आज बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ AI और जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। आज से पहले जब इंटरनेट की खोज हुई तो उसके भी दुष्प्रभाव थे। तो कुछ टाइप का अगर जब इंटरनेट से हमारा जो मैसेज है वो सब इजी हो जाता है, कुछ टाइप का पोस्ट कर करते इन सब का काम भी जाता है। आज के टाइम पे भी कोई नौकरियाँ हैं। अगर AI से जो है, AI आप कह रहे हो कि जो बेरोजगारी होगी तो AI से नहीं रोजगारी भी होगी। AI से जैसे वो लैंग्वेज लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, AI डेवलपमेंट, इतने सारे कोर्सेज। तो आप जो लिटरेसी रेट के लिए कह रहे हो AI के लिए आपको लिटरेसी चाहिए,
लिटरेसी, जब तो हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, एआई जब एआई के लिए लिटरेसी रेट चाहिए तो बढ़ेंगे, उस हिसाब से रोजगारी मिलेगी, एआई हमारा काम आगे जाके आसान करेगी। दूसरे एआई के भी इसके लिए भी बहुत सारे